क्रिकेट के लिए भी बंदे को ना ख्वार होके जाना पड़ता है। इधर की एक खास बात है, देख लो भाई, आज तो हम जा रहे हैं आपको मातली की नाइट दिखाने कि ये सिंध के देहात में गांव में कैसी होती है नाइटें। तो थोड़ा रास्ता यार मुश्किल तो नहीं है, पर मैंने जो ना ये मुश्किल वाला रास्ता पकड़ा हुआ है क्योंकि ये जो ना थोड़ा करीब पड़ता है। भाई देख सकते हो यहाँ पे, भाई कच्चा ही कच्चा है ये। यहाँ से इधर की एक खास बात है, देख लो ये जो ना ट्रेन स्टेशन है, इसके ऊपर पटड़ियाँ हैं, इसके पटड़ियों के ऊपर जो ना मिट्टी डाल के रास्ता बना दिया है लोगों ने, पाकिस्तानी जुगाड़ भी कह सकते हो, पर और ज़रूरत भी है भाई, अगर रास्ता नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करके जाना पड़ेगा ना। ये है हाई स्कूल टू, इधर है हाई स्कूल टू, ये सामने पानी ही पानी है, देखो ये सामने नाइट चल रहा है। रास्ता बड़ा भाई ख़राब है, देख क्रिकेट के लिए भी बंदे को ना ख्वार होके जाना पड़ता है। तो कभी ख्वारी तो भाई है ज़िंदगी में। ये देख लो भाई कैसा है ग्राउंड, मैं चल ही रहा था किसी का लग रहा है मेरे को। इधर का ग्राउंड देखो, ये सामने जनरेटर पड़ा हुआ है। ये हाई स्कूल टू का ग्राउंड है, नाइट जो ना लाइटिंग इन्होंने कुछ ज्यादा की हुई है, पहले तो कम ही थी। सी लेवल का चल रहा है अभी, तो हैट्रिक हुई है भाई, खाते हैं के। ग्राउंड दिखा दे इधर का कैसा है, बस भाई ये देख लो ग्राउंड की हालत। खेलने वाले भाई कहीं भी खेल जाते हैं, बाहर निकल जाओ नहीं तो पुलिस आएगी आपको उठाएगी, बंदे आएंगे आपको उठाएंगे। ये भी एक मातली में ग्राउंड है, बहुत पुराना ग्राउंड है, ऐसे ये ईदगाह भी है, लेकिन अभी यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड भी है। ये लाइटिंग आपको कैसी लग रही है ये मेरे को कमेंट में लाजमी बताना, क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी छोटे लेवल में टूर्नामेंट जो है ना बड़ा अच्छा है। साईं वसीम लिगारी भाई माइक पर शाउटिंग कर करके थक गया है। जल्दी करी करे नहीं तो तुम्हें चलाता मैच होगा, ये छह ओवर का मैच है, छोटा मैच होता है इधर भाई, 5-6 ओवर का। चलो आपको दिखाएंगे अभी इसकी हाईलाइट वाईलाइट जो ना जो भी होगा, इसकी थोड़ी वीडियो बनाएंगे इस मैच की, इससे अगले मैच की, तो उसकी वीडियोस में अपलोड करूंगा शॉर्ट्स वॉर्ट्स में, वो देखना पिच विच का भी हिसाब किताब जो भी है।